वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अर्चना पटेल। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आपने लास्ट में देखा ही होगा कि मैं आ चुकी हूँ पहलगांव में। तो बस अभी थोड़ा सा रेस्ट किया और अभी हो चुकी है इवनिंग और अभी हम निकल रहे मार्केट में। ऐसा कुछ लेने का कुछ प्लान नहीं है, पर देखते कुछ पसंद आएगा तो ही लेते हैं। मैं हर बार ये डायलॉग बोलती हूँ, फिर भी थोड़ा बहुत ही ले ही लेते हैं, पर इस बार तो कुछ ज़्यादा लेना नहीं है ना मम्मी। देखो तो सही, फरवरी में तो आए थे। हाँ, फेब में आए थे तो कुछ ऐसा यूनिक सा लगेगा तभी लेंगे, है ना। तो ही लेंगे, बाकी ज्यादा कुछ खर्चा करने का मन नहीं है इस बार। तो बस चलो निकलते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ पहलगांव की मार्केट। लास्ट टाइम हम इतना नहीं घूमे थे क्योंकि लास्ट टाइम मैं पहलगांव आई थी उस टाइम पे बारिश ज्यादा गिर रही थी ना, कि स्नोफॉल था। स्नोफॉल था, हाँ उस टाइम पे स्नोफॉल ज़्यादा था और बारिश भी गिर रही थी, तो हमने ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर किया ही नहीं। तो इस बार बहुत टाइम भी है तो लेट्स सी क्या मिलता है। मैं आपको दिखाती हूँ पहलगांव के मार्केट। सो अभी फाइनली मैं निकल चुकी हूँ पहलगांव की मार्केट के लिए। उसके पहले कुछ खाते क्योंकि भूख लग रही है। तो मुझे दिख गई पानी पूरी, तो मैंने आपको बताया कि मैं अलग अलग स्टेट की, मुझे पानी पूरी खाना बहुत ज़्यादा पसंद है कि सब जगह के अलग अलग मसाला होता है, अलग पानी होता है। तो मैंने खाई और सच बताओ ट्रस्ट में बहुत ही टेस्टी थी। मुझे टेस्टी लगी तो मेरे मम्मी और आंटी दूर खड़े थे, मैंने उनको भी बोला कि ये टेस्ट करो, बहुत ही अच्छी है। तो अभी हम निकल चुके हैं पहलगांव की मार्केट में, बहुत सारा लेंगे। सो आज का वेदर बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, मस्त ठंडी लग रही थी। और ये हो रहा है मार्केट यहाँ से स्टार्ट, और मैं तो भाई एक एक शॉप में जाके सब चीज़ देखने वाली हूँ, एक्सप्लोर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक ठेले पे खड़े रहे और यहाँ पे वुड में अलग अलग शेप में सब किचन मिल रहे थे, उसमें हम हमारा नाम भी लिखवा सकते हैं। तो मैंने लिखवाया एक साइड ध्रुव और मेरा, और एक साइड लिखवाया क्रियांश और अनाया का, और मेरे हैंडराइटिंग को थोड़ा इग्नोर मारना। तो यहाँ पर वो बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। मेरा मैंने कपल वाले में करवाया और अनाया और क्रियांश का मैंने टैडी वाले शेप में करवाया। तो ये मैं अभी ऊपर ऊपर से दिखा देती हूँ पूरा, तो मैं शॉपिंग का जो मैं हॉल दिखाऊंगी उसमें दिखाऊंगी। तो सबसे पहले ये शॉप में गए और वहाँ पे एक हार्ट शेप का बहुत ही सुंदर स्वेटर था, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। वैसे मैंने बार्गेनिंग करने की बहुत कोशिश करी पर 50 रुपये ही काम करे, पर इट्स ओके, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया इस वजह से मैंने वो ले लिया। उसके बाद आए हम कुर्ती लेने के लिए। तो इस बार कुर्ती बहुत ही अलग थी, मतलब हर बार वो कॉटन वाले में होता है, इस बार जॉर्जेट वाले में मिल रहे थे। तो इस बार कलेक्शन तो भाई नया तो था। और ये वाली वही शॉप है वहाँ से हमने लास्ट टाइम जैकेट लिए थे, मैंने ध्रुव विशाखा डिपल जीजू सब ने लिए थे, तो वहाँ का ही है और यहाँ का कलेक्शन बहुत अच्छा होता है। हमारा शॉप का नाम है समरी लदर्स। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे वैरायटी मिल जाएंगे आपको, पर्स वगैरह, जैकेट्स, लेदर जैकेट्स, हमारा खुद का मैन्युफैक्चर है। मार्केट से हमारे पास 40% ऑलरेडी आपको सस्ता मिल जाएगा। कितने साल से है शॉप आपकी? हमारा तो 80 साल से है। अच्छा, थैंक यू, बहुत ही अच्छा कलेक्शन। लास्ट ईयर भी हम यहाँ से लेके आए, लास्ट ईयर नहीं फेब में आए थे, तो हम यहाँ से बहुत सारे स्वेटर जैकेट लेके गए थे। चलो भाई। उसके बाद लास्ट टाइम में मैं एक पिंक कलर की अच्छी पॉम्पम वाली स्टॉल लेकर गई थी, तो मम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। लास्ट टाइम मम्मी ने नहीं लिया, तो इस बार मम्मी ने रेड कलर का उनको मिला तो रेड कलर का उन्होंने ले लिया। उसके बाद मम्मी बोले कि यहाँ पर आए तो यहाँ पे कॉटन की कश्मीरी कुर्ती लेना तो बनता है, तो हमने बहुत सारे कलर देखे पर मम्मी को कुछ इतना पसंद नहीं आया, मतलब जो कलर कॉम्बिनेशन होता है वो इतना सुंदर नहीं लग रहा था। तो मम्मी ने बाद में छोड़ दिया, मम्मी ने बोला कि नहीं लेना है, इस बार रहने देते हैं। तो उसके बाद हम गए दूसरी शॉप में और ये शॉप बहुत ही मस्त थी पर बहुत ही कॉस्टली था। यहाँ पे शॉप भी बहुत बड़ी थी तो, पर यहाँ पे कुर्ती मिली बहुत ज़्यादा ही यूनिक थी, मेरी मम्मी मना कर रही थी पर मैंने बोला ले लो। उसके बाद हमको दिखी ये केसर वाला दूध और ठंड भी बहुत लग रही थी तो मज़ा आ जाता केसर वाला दूध पी के, तो हमने मंगवाया केसर वाला दूध और हमने पिया और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। चार
हमने शॉपिंग कर ली है पूरी और अभी हम जा रहे हैं होटल। उसके बाद हम आ चुके थे होटल और ये कश्मीर है, यहाँ पे आतंकवादी का बहुत ही ज़्यादा वो त्रास होता है। तो पापा हमको बहुत ही ज़्यादा डांटा, मुझे मेरी मम्मी को, कि इतना लेट हो गया फिर भी आप लोग शॉपिंग कर रहे हो। The next day. हाय, तो कल हम आ चुके थे, आपने देखा कि हम मार्केट गए थे तो वहाँ पर हमने बहुत सारी शॉपिंग करी है। तो आकर हम सो गए थे डिनर करके, तो मैंने वीडियो शूट नहीं किया। कल सेकंड डे है तो आज शूट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, ये शॉपिंग हॉल है बेसिकली। तो सबसे पहले दिखाती हूँ मैं, वहाँ पे वुड पे अलग अलग डिज़ाइन में नाम लिख कर दे रहे थे, तो मैंने बनवाया है ये ध्रुव और ये लज्जा और ये कपल है, इस वजह से मैंने कपल वाला शेप सिलेक्ट किया। और ये टेडी बियर शेप में मैंने अनाया और क्रियांश का लिखवाया, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। उसके बाद फर्स्ट शॉप थी, वहाँ पर मुझे एक स्वेटर बाहर दिख गया था, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा था। तो ये है वो स्वेटर, मेरे लिए स्वेटर बोलते हो कि जो भी, तो इसमें हार्ट बने हुए हैं और ये कलर भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था, तो ये वाला लिया है मेरे लिए। और इसमें दो कलर थे, एक डार्क पिंक भी था और ऐसा वाला बेबी पिंक भी था, तो मैंने ये वाला लिया है और ये मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने वाला, मैंने पहन के भी दिखा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसके बाद लास्ट टाइम हम गए थे उस टाइम पर मैंने पिंक कलर की ऐसी स्टॉल ली थी, ऐसे पॉम पॉम वाली, जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। तो इस बार मुझे रेड कलर की मिली, तो इस बार मैंने रेड कलर की ली है। और वैसे मुझे रेड कलर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, लाल चटक लगता है, तो इस वजह से मैंने ये वाली ली है और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ही मस्त है। उसके बाद बात करते हैं, इस बार हम बालताल गए, फिर यहाँ पर हर एक जगह पे शॉप में है, या भैया से चलते चलते भी ऐसी कश्मीरी कोटी दिखा रहे थे, यहाँ पे इस बार बहुत चल रहा है, लास्ट टाइम मैं आई थी उस टाइम पे ये नहीं चल रहा था। तो ये वाली कोटी हमने ली है, एक ये क्रियांश के लिए लिया है, एक वाइट कलर का लिया है और ये लिया है रेड कलर का, ऐसे दो लिया है। कोई सिंपल कुर्ते पे ये पहनेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, वैसे भी अभी नवरात्रि आने वाली है, बहुत सारे फेस्टिवल आने वाले हैं, तो किसी में ना किसी में काम लग ही जाएगा और बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी, बहुत ही सुंदर है। उसके बाद बात करते हैं, कश्मीर आए हैं तो कश्मीरी कुर्ती तो लेनी बनती है, तो हमने बहुत सारी कश्मीरी कुर्ती ली है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बेसिक से, तो ये हमने ली है पिंक कलर की कुर्ती जो जॉर्जेट में है। इस बार जॉर्जेट में बहुत कुर्तियाँ मिल रही है, लास्ट टाइम मैं आई थी उस टाइम पे कॉटन में ज़्यादा थी, पर इस बार जॉर्जेट में बहुत ही मिल रही थी। तो ऐसा कुछ है, इसके अंदर आपको इनर पहननी पड़ेगी, उसके बाद पहनना पड़ेगा क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। उसके बाद ये लिया है और ये बहुत ही अच्छी है, मैंने कश्मीरी कुर्ती बहुत ही देखी है पर ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, यूनिक लगी थी। तो ये है मेरी मम्मी के लिए, मेरी मम्मी तो मना ही कर रहे थे पर मुझे बहुत ही अच्छी लग रही थी, तो मैंने मम्मी को बोला कि आप ले लो, तो ये बहुत ही अच्छी है, वाइट कलर में से ब्लू कलर का है, तो बहुत ही अच्छा गेटअप दे रहा है। उसके बाद हमने ली है जॉर्जेट में ली है कुर्ती, तीन कुर्ती ली है। तो सबसे पहले ये भी ट्रांसपेरेंट ही है, इसके अंदर आपको इनर वेयर करनी पड़ेगी, तो ये जीन्स पर आप पहन सकते हो, तो ऐसा वाला है और इससे बहुत ही हैवी वर्क का है और ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है ये वाली कुर्ती, तो ऐसा है कुछ। और ये ढीली ढीली आती है, हमारी बॉडी फिटिंग की नहीं होती है और इसकी स्लीव्स भी बड़ी होती है, यहाँ के लोग ऐसे टाइट स्लीव्स नहीं पहनते हैं, ऐसे खुलती खुलती होती है उसकी स्लीव्स, तो ये वाली है और ये कलर भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसमें ही सेम लिया है ग्रीन कलर में, ग्रीन तो नहीं बोल सकते उसको, पैरोट कलर बोल सकते हो, तो ये कलर है, एक ये कलर की कुर्ती ली है। उसके बाद एक ये भाभी के लिए है, तो ये कलर की ली है, तो ये बहुत है। और अगर ज़्यादा ढीली लगेगी तो हम उसको स्टिच करवा देंगे, तो ये भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। और इस बार कॉर्डसेट मिल रहे थे, लास्ट टाइम हम आए थे उस टाइम पे कॉर्डसेट नहीं मिल रहे थे, तो इस बार कॉर्डसेट लिया है, तो
बेसिकली ये कुर्ती है और नीचे दिखाई दे तू, ये यहाँ पे ऐसे नीचे पट्टी आएगी और नीचे राउंड आता है और यहाँ पे ऐसा सिंपल सा होता है और इसकी पैंट भी आती है साथ में और नीचे ये ऐसा पैंट में भी ऐसा दिया होता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और ये प्योर कॉटन में है तो ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। इस बार कुछ नया देखने को मिल रहा है हमको। उसके बाद बात करते हैं, लास्ट टाइम आई थी तब मुझे वैसे भी नॉर्मली भी एनिमल प्रिंट की चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पसंद है, टी शर्ट हो, जैकेट हो, कुछ भी हो। तो लास्ट टाइम मैं आई थी उस टाइम पर वही शॉप में मैं दूसरा में जैकेट लेकर आई थी, तो मुझे ये वाला जैकेट बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था, पर लास्ट टाइम मैंने दूसरा वाला लिया तो ये रह गया। तो इस बार आया था तो ये वापस रिस्टॉक हुआ था तो मैंने सोचा ये वाला तो लेना बनता है। तो ये लॉन्ग है तो इसको आप खोल के भी पहन सकते हो अंदर ब्लैक इनर के साथ और ऐसे भी पहन सकते हो। तो ये एकदम लॉन्ग है, ये आपके नीज तक आएगा और बहुत ही अच्छा इसका मटेरियल है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, तो बस ये मेरे लिए। उसके बाद ये है ध्रुव के लिए, तो सेम कलर के तो बहुत सारे जैकेट है तो इसमें ये सिर्फ तीन कलर के जैकेट थे, तीन कलर एक ही जैकेट में थे, ब्लैक है, ये ग्रीन है और ये रेड है। तो ये वाला जैकेट मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया तो इस वजह से मैंने ये वाला जैकेट लिया है। तो बस आई थिंक सब कुछ ख़त्म ही हो चुका है। हाँ तो बस थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ जल्दी। बाय बाय, लव यू ऑल।